चलिए चलिए हां जी दोस्तों क्या हाल चाल आप सभी के सबसे पहले मेरे सही फौज भाई को जय हिंद बंदे मातरम जय श्री कृष्णा जल्दी से दोस्तों कमेंट बॉक्स में हिंद जवाब लिख दीजिएगा मैं मुनीष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने दार्मीवा यूट्यूब चैनल पर माफ करिएगा भाई बहुत ज्यादा लेट हूँ अब टाइपिस्ट ने जो है भाई क्वेश्चन बहुत ही लेट करे थे आठ साढ़े आठ के आसपास जो है मुझे सेंड करे थे और थोड़ा सा मैं बाहर था तो इसलिए जो है मैं थोड़ा सा लेट हो गया था चलिए भाई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा सेशन को आपके स्टार्ट करते हैं चलिए तो भाई आज हमारा एक और मॉडल टास्क पेपर आपका रहेगा जिसमें पूरे पचास प्रश्नों का जो है ठीक है पूरे पचास प्रश्न आपके डिस्कस करेंगे जिसमें से आपके लिए जो टारगेट रहेगा फोर्टी प्लस सही क्वेश्चन करने का कितना फोर्टी प्लस सही करने का क्वेश्चन टारगेट आप सभी के लिए रहेगा ये आपका जीडी ट्रेड बाय भूमन विल्टर पुलिस अगर इन तीनों ट्रेडों में से किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आज का सेशन आप सभी के लिए जो इंपोर्टेड रहेगा टारगेट आपका रहेगा पांच आप अप्रैल एग्जाम जीके के पंद्रह साइंस के पंद्रह मैथ के पांच पंद्रह और रीजनिंग के पांच क्वेश्चन टोटल पचपन माफ कीजिएगा टोटल पचास क्वेश्चन आपके रहेंगे ठीक है माफ करिएगा भाई आगे पीछे हो सकता है मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं, नहीं, करूंगा जल्दी से क्वेश्चन नंबर एक सुनिए भाई क्वेश्चन नंबर एक आपके सामने है द विंग्स ऑफ फायर भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति की आत्मकथा है द विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी ये बुक है ये किस व्यक्ति की ऑटोबायोग्राफी है जो कि भारत की क्या रह चुके हैं भारत के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं बिल्कुल से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डॉक्टर अब्दुल कलाम क्या हो जाएगा डॉक्टर ए जे अब्दुल कलाम ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आपका हो जाएगा चलिए कर अब सही है भाई डॉक्टर एपीजी अब्दुल कलाम ऑप्शन नंबर डी क्या कर लीजिएगा करेक्ट कर लीजिएगा एक और बुक पूछता है भाई भारत 2020 भार 2020 भी आपके एग्जाम में बुक पूछता है तो भार 2020 भी किसके द्वारा लिखी गई थी डॉक्टर एपीजी अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई थी एक और पूछता है इग्नाइट माइंड भाई कौन सी इग्नाइट माइंड भी आपके एग्जाम में भाई पूछता है तो इग्नाइट माइंड क्या

कोयला जो है किसे कहा जाता है ठीक है किसे कहा जाता है तो जल्दी से बताइएगा कि भूरा कोयला जो है निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा और बात करें उच्चतम गुणवत्ता वाले कोयले की जिसमें मात्रा कितनी होती है, भाई? 80 से अधिक जो है आपकी कार्बन की मात्रा होती है कितनी 80 से अधिक जो है कार्बन की मात्रा होती है कौन सा एंथ्रासाइड कोयला बिल्कुल कौन सा एंथ्रासाइड कोयला जो होता है क्या होती है इसमें जो है आपके भाई उच्चतम गुणवत्ता बंगाला कोयला इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए भारत संविधान की आठवीं अनुसूची संविधान अधिनियम 1903 ती, द्वारा सूची में भाषाओं की संख्या कितनी है भाई यहां से सुनिएगा क्वेश्चन तो थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा हुआ है कि भारतीय संविधान की आठवीं सूची में जो कि 2003 में बानवा संविधान संशोधन कौन सा बानवा संविधान संशोधन किया गया था तब जो है जाकर भारत आठवीं अनुसूची में जो है को टोटल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई थी बाईस आपकी हो गई थी यहां से थोड़ा सा क्वेश्चन नोट करिएगा कि जब भारत का संविधान बना था तो उस समय आठवीं अनुसूची में जो है टोटल चौदह भाषा आपकी हुआ करती थी कितनी? भाषा आपकी हुआ करती थी पर आपका में जो है को ठीक है संविधान संशोधन किया गया उसके तहत जो है जो आठवीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषा जो ऐड करी गई बाईस भाषा टोटल कितनी बाईस भाषा आपकी ऐड करी गई थी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी हु फॉर्मेट दी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बाल गंगाधर तिलक भीमराव अंबेडकर सुभाष चंद्र बोस या फिर मदन मोहन मालवीय चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर चार का राइट आंसर बताइए जल्दी से राइट right आंसर बताइए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा जो है किसकी स्थापना करी गई थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की किसकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए चलिए भाई क्या पंगा ये चलिए भाई क्या है कुछ ज्यादा ही बाइट हो गया है ना अब मैं ना पता नहीं भाई क्या सेटिंग से चेंज करी थी आपकी थोड़ी सी जो है यहाँ से कलर कलर, कलर कनेक्शन जो है अजीब सी हो गई है

हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप इन केरला छऊ गरपा विहू या फिर ओणम भाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जल्दी से क्वेश्चन नंबर पांच का राइट आंसर बताइए कि केरल में फसल की कटाई पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव आपका मनाया जाता है बिल्कुल कौन सा ओणम त्यौहार मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए क्वेश्चन नंबर छे है कि गुड़ी पडवा क्या गुड़ी पडवा निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है गुड़ी पडवा इज फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड गुजरात या फिर महाराष्ट्र चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर छ का राइट आंसर बताइए इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए गुड़ी पड़वा जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है बिल्कुल सही दोस्तों किस राज्य में महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है ऑप्शन नंबर डी क्या ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा उसी के तरह याद रख लीजिएगा भाई ये एक राज्य में नहीं मनाया जाता ये साथ में जो है बहुत सारे राज्यों में मनाया जाता है जिसमें आपका गोवा कर्नाटक आता है आंध्र प्रदेश आता है तेलंगाना आता है इन सभी राज्यों में कहीं ना कहीं जो है गुड़ी पड़वा आपका मनाया जाता है पर एग्जाम में पूछे तो महाराष्ट्र ही ज्यादातर आपको देखने को मिलता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए कि चौसा का युद्ध हिमायू तथा शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था चौसा का युद्ध जो है हिमायू तथा शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था कौन से वर्ष लड़ा गया था अब चौसा के युद्ध की बात करें तो भाई कौन जीता था शेरशाह सूरी आपका जीत जीता था भाई जीटी रोड का निर्माण जो है ठीक है जीटी रोड का निर्माण जो है निम्न में से किसके द्वारा करा गया था किसके द्वारा भाई शेरशाह सूरी द्वारा किसके द्वारा शेरशाह सूरी द्वारा करा गया था और पूछे चौसा का युद्ध जो है भाई कौन से वर्ष हुआ था बिल्कुल से दोस्तों कब 26 जून 1926 जून 1500 उनतालीस में कब छब्बीस जून पंद्रह सो उनतालीस को जो है चौसा का युद्ध हुआ था जिसमें कौन जीता था शेरशाह सूरी भाई कौन जीता था शेरशाह सूरी आपका जीता था राइट आंसर मैच कर लीजिएगा चलिए माय नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए क्वेश्चन नंबर आठ है एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है वट इज दुल फॉर्म ऑफ एटीएम एटीएम की फुल फॉर्म आपकी होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन क्या होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है ऑप्शन नंबर बी क्या देगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आपका हो जाएगा चलिए एक बार देख लेता हूं भाई कलर तो फिर चेंज कर रहा कुछ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने कि प्रसिद्ध चित्रकारी मोनालिसा किसने बनाई थी भाई मोनालिसा जो है द फेमस पेंटिंग है जो का या कि जिसका निर्माण जो है किस चित्रकार द्वारा किया गया था भाई किसके द्वारा लियोनार्डो दा विंची किसके द्वारा लियोनार्डो दा विंची द्वारा करा गया था ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए कि कौर्म बालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था कब लागू की गई थी या फिर पूछता है कि कौन से बंगाल गवर्नर द्वारा बंगाल के कौन से गवर्नर जनरल द्वारा जो है स्थायी बंदोबस्त लगाया गया था तो द्वारा 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 किसके भाई जो है स्थायी बंदोबस्त आपका लगाया गया था कौन से वर्ष लगाया गया था, था? सत्रह में. में कब सत्रह सो में जो है कौर बालिस द्वारा जो है स्थायी बंदोबस्त की स्थापना करी गई थी भाई एक और क्वेश्चन पूछता है कि भारत के सिविल सेवा क्या सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है भारत की सिविल सेवा का जनक किसे माना माना जाता है तो भाई किसे लॉर्ड है बालिस को, किसे? बालिस को माना जाता है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर कीजिएगा ऑप्शन नहीं कॉरन बालिस इसका भी राइट कर लीजिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल विभाजन कब हुआ था वेन बाज दी पार्टीशन ऑफ बंगाल अंडर दी सर्विजन ऑफ लॉर्ड कर्जन माई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लॉर्ड कर्जन के काल में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था कौन से वर्ष बिल्कुल सी दोस्तों को उन्नीस में एग्जैक्ट डेट पूछे तो 16 अक्टूबर 1905 को जो है किसका विभाजन हुआ था बंगाल का विभाजन हुआ था किसके द्वारा करवाया गया था लॉर्ड कर्जन द्वारा किसके द्वारा लॉर्ड कर्जन द्वारा करवाया गया था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए कि भारत में देश प्रतिषेध अधिनियम कब पारित किया गया था दहेज प्रतिषेध नियम यानी दहेज के लिए जो है निषेध या फिर इसे जो है रोकने की प्रथा दहेज को रोकने की प्रथा के लिए जो है एक नियम बनाया गया था कौन से वर्ष बनाया गया था तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई दहेज प्रथा को जो है कानून क्या मानता है कानून जो है एक अपराध मानता है और इसे मान्यता जो है कौन से वर्ष भाई कौन से वर्ष प्राप्त हुई थी भाई 1961 में कब हुई थी 1961 में हुई थी तो ऑप्शन नंबर बी क्या देगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट आपका हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए कि भारत का प्राय पठार निम्नलिखित में से किस भूभाग का हिस्सा है भारत का प्रायदी जो है निम्नलिखित में से किसका भूभाग का, का हिस्सा है तैत गोडवाना भूमि का लोरेशिया का या फिर एडियन एंडियन एंडियन का क्या एंडियन का चलिए पाई देखिएगा भारत जो है ये किस पठार का या फिर कह सकते हैं कि भारत जो है ये प्रायद्वीप पठार है किसका प्रायद्वीप पठार है या फिर किसका एक भाग है गोडवाना भूमि का किसका गोडवाना भूमि का एक भाग है ऑप्शन नंबर बी क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आपका हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए कि भारत की संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता का अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है भारत के संविधान में जो है व्यापार करने की क्या व्यापार करने की स्वतंत्रता है इसे जो है किस देश के संविधान से लिया गया है जापान अमेरिका चीन या फिर ऑस्ट्रेलिया चलिए भाई जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए भाई जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं इन सभी को जो है बहुत जल्दी बनाया गया है ज्यादा टाइम नहीं था इसके लिए भी माफ करिएगा चलिए मैं इससे बात नहीं बनेगी और वैसे भी कुछ मजा नहीं आ रहा इस पर ठीक है दूसरा ही सही था चलिए भाई तब तक तो आप राइट आंसर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा चलिए भाई क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान में जो है व्यापार करने की स्वतंत्रता जो है किस देश के संविधान से ली गई है बिल्कुल किस देश के संविधान से ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आपका हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है भाई जल्दी से बताइएगा अजंता की गुफाएं जो है ये किस धर्म से आपकी स्पन्दिता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में राइट right आंसर बताइएगा कौन से राज्य में स्थित है तमिलनाडु मध्य प्रदेश कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र और जल्दी से बताइए जीके के पंद्रह क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे तो जल्दी से भाई राइट आंसर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा चलिए और देखिएगा भाई अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको सिंपल सा करना है टेलीग्राम जाइएगा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद आपको कुछ नहीं बस सर्च करना है एट द रेट टी एच ई ए, ए आर एम बाय बी ओ बाय जीरो थ्री चैनल का लिंक या चैनल आपको मिल जाएगा चैनल जो आप व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप जो है आप ज्वाइन कर सकते हो भाई सारे की सारे पीडीएफ वहीं पर आपकी अपलोड की जाती है बिल्कुल दोस्तों अजंता की गुफाएं जो है औरंगाबाद में स्थित और औरंगाबाद जो है आपका कहाँ पर है बिल्कुल दोस्तों औरंगाबाद जो है कहाँ पर है महाराष्ट्र में स्थित है ऑप्शन नंबर डी क्या देगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा याद रखिएगा जीके जीएस और रीजनिंग ये पैंतीस क्वेश्चन टोटल मैं करवाता हूं और पांच पंद्रह क्वेश्चन आपके मैथमेटिक के जो हैं कौन करवाते हैं भाई म्यांग सर आपके करवाते हैं चलिए भाई क्वेश्चन है कि फाइवर ऑप्टिकल किस सिद्धांत पर कार्य करता है ऑन विच प्रिंसिपल डस फाइबर ऑप्टिकल वर्क भाई देखिएगा यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है उससे पहले मुझे बताइएगा कि जो ऑप्टिकल फाइबर है उसका आविष्कार जो है किस वैज्ञानिक द्वारा करा गया था दो या तीन दिन पहले क्वेश्चन डिस्कस करा था उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि किसके द्वारा जो है ठीक है सिंह पर उनके लास्ट में जो है सिंह लगता है क्या लगता है सिंह लगता है तो जरूर बताइएगा मैं जरूर कमेंट बॉक्स में चेक करूंगा और ये सिंपल सा क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है ऑप्शन नंबर सी क्या देगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था भाई जल्दी से बताइए जेट इंजन का आविष्कार किया गया था कार्ल फ्रेंस सर फ्रेडर वीटल फ्रैंक वीटल माफ करिएगा सर फ्रैंकल वीटल थॉमस से, से, सेवरी थॉमस सेवरी या फिर माइकल फेराडे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है जेट इंजन का किसका जेट इंजन का आविष्कार जो है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा करा गया था भाई वफरिंग कर रहा है एक बार जल्दी से बताइएगा बफरिंग तो नहीं कर रहा किसी के ठीक है हल्का सा मेरे में बफरिंग करा थॉमस शेल्वी माफ करिएगा चलिए भाई अब टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप सेशन की ओर बढ़ते हैं भाई जेट इंजन का आविष्कार किसके द्वारा करा गया था बिल्कुल सिद्धो किसके, फ्रे, किसके द्वारा सर फ्रेक डिटल किसके द्वारा सर फ्रैक विटल द्वारा करा गया था ऑप्शन नंबर पी क्या हो जाएगा करेक्ट आपका हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए कि परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं ऑन व्हाट प्रिंसिपल ए न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्क न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं भाई भाई किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं अब न्यूक्लियर न्यूक्लियर है तो भाई जो होता है, क्या करता है विखंडन विखंडन क्या करता है? विखंडन करता है है और सलैन किसमें होता है भाई सलैन होता है जो आपका सूर्य हो गया सूर्य आपका किस पर हाइड्रोजन होती है तो हाइड्रोजन बम जो होता है वो सलैन पर कार्य करता है अगर बात करें विखंडन की तो परमाणु क्या करता है परमाणु भाई आपका विखंडन करता है तो परमाणु संयंत्र जो होते हैं या फिर परमाणु या न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं विखंडन या आपके या फिर विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं चलिए समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है तो जल्दी से बताइए समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है सोनार रेडार लेजर या फिर मेजर का भाई एक क्वेश्चन सिंपल सा है रेडार की जल्दी से फुल फॉर्म बताइए रेडार की फुल फॉर्म आपकी क्या होती है 2022 में क्वेश्चन में पूछा गया है स्पेशली आपके आर्मी जीडी में ये क्वेश्चन जो है 100 परसेंट आपके एग्जाम में पूछा गया है तो रेडार की जल्दी से फुल फॉर्म बताइएगा और रेडार का उपयोग जो है आपके जो हवाई जहाज होते हैं समुद्री जहाज होते हैं उन सभी में जो है किया जाता है ठीक है और समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए बिल्कुल सी दुसु किसका उपयोग करते हैं सोनार का उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर ए कहेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना होगा मान लीजिए एक मंच है जो कि क्या कर रहा है घूर्णन आपका कर रहा है यानी घूम रहा है अगर उसे घूर्णन मंच पर क्या करनी होगी अपनी चाल कम करनी होगी तो वो क्या करेगा ठीक है ये व्यक्ति है उसके हाथ हैं उसके पैर हैं तो उसे क्या करना होगा अपने हाथ पर एक साथ मिला ले अपने हाथ ऊपर खड़े कर ले या अपने हाथ बाहर की ओर फैला ले या फिर हाथ ऊपर उठाकर बैठ जाए देखिएगा अगर कोई चीज जो है घूर्णन कर रही है उसमें हमें जो है स्पीड कम करनी हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा अपने हाथों को क्या करना पड़ेगा बाहर की ओर फैलाना पड़ेगा उससे उसकी गति जो है क्या हो जाएगी भाई इससे उसकी गति जो है थोड़ी सी कम या फिर कम होना शुरू हो जाएगी तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं के के मापने के लिए किया जाता है भाई पवन का बल और वेग मापने के लिए ठीक है वेग मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है भाई किसका एनीमोमीटर का किसका एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर बी क्या देगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए एक सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है What is the shortest distance of distance vision या फिर इनमें से कोई भी नहीं चलिए जल्दी से बताइए एक सामान्य नेत्र के लिए जो न्यूनतम या फिर स्पष्ट न्यूनतम दूरी होती है कितनी होती है बिल्कुल सी दोस्तों कितनी 25 सेंटीमीटर होती है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका दीर्घ तरंग धारे होता है इसमें उच्च ताप तीव्रता होती है या माथे में निम्न प्रकीर्णन होता है या फिर बोथ ए एंड सी चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताइए जो सिग्नल लाइट होती है उसमें किसका लाल रंग का किसका लाल रंग का उपयोग किया जाता है तो उस लाल रंग का उपयोग भाई किसके लिए किया जाता है तो किस वजह से किया जाता है चलिए पर, पर राइट आंसर क्या रह जाएगा ऑप्शन नंबर ए और सी क्या ऑप्शन नंबर ए एंड सी क्योंकि लाल रंग की बत्ती जो है लाल रंग जो होता है उसका धीरे तरंगदारे होता है और साथ में जो है माध्यम में निम्न प्रकीर्णन आपका होता है ऑप्शन नंबर डी क्या जाएगा करेक्ट आपका हो जाएगा धातु की चाय दानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों प्रयोग किए जाते हैं भाई दो आपके धातु के बर्तन होते हैं उनमें लकड़ी का उपयोग या फिर लकड़ी के हैंडल का उपयोग क्यों किया जाता है क्योंकि लकड़ी क्या होती है ऊष्मा की क्या होती है कुचालक होती है बैड कंडक्टर होती है हीट की किसकी बैड कंडक्टर होती है हीट की ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का किसका पीलो लैंपो का प्रयोग किया जाता है उन लैंपों में निम्नलिखित में से गैस का उपयोग किया जाता है किस गैस का भाई किस गैस का उपयोग किया जाता है आजकल सड़कों पर जो पीले लैंप लगाए जाते हैं भाई उनमें किस गैस का उपयोग किया जाता है किस उत्कृष्ट या फिर किस नोबल गैस का यूज किया जाता है नियोन गैस का भाई किसका नियोन गैस का उपयोग किया जाता है और दूसरी ट्यूबलाइट जो होती है उसमें भाई किसका आर्गन गैस का किसका आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है तो दोनों क्वेश्चन ध्यान से नोट करिएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है जो आपका प्लेन मैर होता है उस पर कैसा प्रतिबिंब आपका बनता है भाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसी के साथ आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है समतल दर्पण पर बना जो प्रतिबिंब होता है भाई वो आपका कैसा होता है चलिए भाई कैसा होता है भाई वास्तविक और सीधा कैसा होता है वास्तविक और सीधा होता है तो नोट कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए क्या देगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए एंपेयर सेकंड क्या एंपेयर सेकंड यूनिट होती है ऊर्जा की मात्रा की भाई ऊर्जा की यहां ऊर्जा कर लीजिएगा ऊर्जा की ऊष्मा की गति की या फिर गति की मात्रा का या फिर गति की मात्रा छोड़िएगा भाई यहां पर है आवेश की कर लीजिएगा चार्ज क्या हो जाएगा चार्ज आपका हो जाएगा तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर सताइस का राइट आंसर बताइए अंपेयर सेकंड जो होती है किसकी यूनिट होती है बिल्कुल सीधे सो किसकी यूनिट होती है भाई आवेश की यूनिट होती है ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए निम्नलिखित में से किसमें मानव शरीर में अतिरिक्त रक्त संग्रहित होता है जहां से कमी होने पर रक्त निकलता है ध्यान समझिएगा निम्नलिखित में से किसमें मानव शरीर में अतिरिक्त क्या अतिरिक्त यानी ज्यादा रक्त संग्रहित होता है यानी रक्त जो है इकट्ठा होता है और जहाँ कमी होने पर अगर हमारे शरीर में कहीं भी जो है रक्त की कमी हो जाएगी तो वो शरीर का भाग जो है क्या करता है रक्त को वहाँ से निकालता है और उस भाग तक जो है पहुँचा देता है तो हमारे शरीर में ब्लड बैंक ऑफ प्लीहा किसे का ब्लड बैंक ऑफ ब्लड किसे कहा जाता है ब्लड बैंक ऑफ ब्लड किसे जाता कहा जाता है भाई भाई को कहा जाता है? घुमा फिरा के ही क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लड बैंक क्या ब्लड बैंक किसे कहा जाता है तो भाई किसे कहा जाता है ब्लड बैंक कहा जाता है किसे किसेन तिल्ली या फिर प्लीहा को कहा जाता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए भाई क्वेश्चन है कि ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं क्यों भाई ऊनी कपड़े जो होते हैं ये शरीर को क्या रखते हैं गर्म रखते हैं किसके कारण गर्म रखते हैं किसके कारण गर्म रहते हैं क्योंकि ऊनी कपड़ों में हवा को क्या करता है संग्रहित क्या हो जाती है ऊन में जो है हवा को संग्रहित करता है या फिर हवा को संग्रहित करती है जो ऊनी कपड़े होते हैं ठीके? भाई ऊनी कपड़े जो होते हैं वह हवा बा को क्या करते हैं संग्रहित कर लेते हैं क्या कर लेते हैं स्टोर कर लेते हैं एयर को इसलिए जो है वह ऊनी कपड़े आपके गर्म होते हैं मेघ रात या फिर मेघ वाली रात अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है इसका कारण क्या है भाई सिंपल सा क्वेश्चन है जिस दिन आपने देखा होगा बादल या फिर मेघ आपके होंगे उस दिन जो है ठंड कम होगी क्या होगी जो आपकी ठंड या फिर जो आपकी गर्मी होती है ठीक है नॉर्मल गर्मी जो होती है थोड़ी सी अधिक होती है क्या होती है थोड़ी सी अधिक होती है ये मासूम आपको होगी जब ठंडी के दिन यानी आपके जो अब ठंडी के दिन लगे हैं जब बादल होते हैं वर्षा ना हो रही हो ठीक है बारिश ना हो रही हो और हल्के से आपके बादल हैं तो आपको लगेगा हल्की सी गर्मी है इसका कारण क्या होता है भाई इसका कारण होता है विकर्ण क्या होता है होता है ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा विकर्ण विधि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा भाई जल्दी से साइंस के माफ कीजिएगा साइंस के पंद्रह क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए चलिए भाई पहला क्वेश्चन सुनिए रीजनिंग का कि एक विद्यार्थी को छह साल में 324 पेंसिलों की आवश्यकता पड़ती है तो पंद्रह कीजिएगा स... चौदह साल में उसे कितने दर्जन पेंसिलों की आवश्यकता पड़ेगी छह साल में अगर उसको जो है भाई छह साल में अगर उसे जो है 324 पेंसिलों की आवश्यकता पड़ती है तो चौदह साल के लिए जो है एक साल के निकाल लो तो एक साल में उसे कितना तीन बटा छे आपका हो जाएगा पांच के तीस आपका चौबीस माफ करिएगा भाई चौबीस होगा कितना चार आ जाएगा चुरून जो भाई कितना 54. तो एक साल में उसे जो है भाई कितनी फिफ्टी फोर कितनी फिफ्टी फोर की आवश्यकता पड़ेगी अब आपको दर्जन में करने के लिए बोला है तो दर्जन में कितना हो जाएगा भाई दर्जन से काटोगे तीन चौके चौपी भाई कटेगा जल्दी से बताओ इकतीस का भी आएगा भाई इकतीस का भी आएगा कोई बात नहीं देखिएगा ठीक है एक साल में छः छो बीस तीन सौ बत्तीस पांच छीस छुके चौबीस चार आपका बारह चौबीस भारतीय छत्तीस बारह पंजे साठ नहीं घटेगा तो भाई अगर आपको एक साल में ठीक है अगर आप जो है एक साल में चुरावन

बारह छिक बहत्तर तो छः आ गया कितना भाई छः आ गया बारह छिक बहत्तर बहत्तर और तीन कितना तीन बचा आपका बिल्कुल भाई छत्तीस कितना भाई तिरसठ कितना आएगा भाई तिरसठ कितना आएगा तिरसठ भाई कितनी दर्जन पेंसिलों की आवश्यकता होगी तिरसठ की कितनी भाई तिरसठ कितना तिरसठ आपका आएगा चलिए

मैं उल्टा करके बता देता हूँ सबसे पहले आएगा एन फिर आपका ओ आएगा फिर आई आएगा फिर टी आएगा फिर ए आएगा फिर जी आपका आएगा भाई जी के बाद क्या आएगा देखिए जी के बाद क्या आएगा जी के बाद आएगा आई टी एस ई अवी

बाईस तैतीस छा छिया नवे एक सौ इक्कीस टू सेवन नाइन फाइव नाइन फोर चलिए भाई जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा चलिए भाई जल्दी से राइट आंसर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा चलिए देखिए अगर नहीं जा रहा भाई ग्यारह से काट के देखिए ऐसे ठीक है किस तरह से काटोगे ग्यारह से काट के देखो तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा बहुत ही सिंपल तरीके से आपका हो जाएगा बिल्कुल क्या आ जाएगा 7 279 इसमें गलत क्या होगा भाई 279 होगा किस तरह से होगा ध्यान से देखना ठीक है भाई इसे डिवाइड करो दो तो ग्यारह से ग्यारह से डिवाइड करोगे कितना आएगा भाई कितना आएगा दो आएगा फिर ग्यारह से डिवाइड करो तीन आएगा ठीक है फिर डिवाइड से ग्यारह करोगे कितना आएगा ग्यारह से डिवाइड करोगे छ आपका आएगा फिर ग्यारह से डिवाइड करोगे कितना आएगा नौ आपका आएगा ठीक है कितना आ गया नौ आ गया फिर 11 से डिवाइड करो कितना है भाई कितना है 11 आएगा कितना आएगा 11 आपका आएगा और आपका 279 जो है 11 से कट नहीं होता और पाँच सौ चौरानवे भी किससे डिवाइड हो जाता है भाई 11 से डिवाइड होता है और ये आपका कितना आ जाएगा चौरावन आपका आ जाएगा तो इसे सिंपल तरीके से जो है इसमें कोई गैप नहीं था इसमें बस ये चीज देखना था कि किस किस चीज डिवाइड हो रहा है तो ग्यारह से इनमें से कौन सी डिवाइड नहीं हो रही टू सेवनटी से डिवाइड नहीं हो रहा चलिए माई नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए इसके लिए एबीसी लिख लो तो राइट आंसर जल्दी से निकल जाएगा भाई देखिएगा अभी से डी कितना हो रहा है अभी से डी प्लस दो से एफ डी से एफ प्लस दो ठीक है और एफ से प्लस दो करोगे तो क्या आएगा एच आपके पास आएगा एम से एन भाई एम से एन प्लस एक हो रहा है एन से ओ प्लस एक हो रहा है ओ से प्लस एक करोगे पी आपका आएगा एक्स से डब्ल्यू क्या एक्स से डब्ल्यू माइनस एक हो रहा है w से माइनस एक करो अभी होता है बिल्कुल भाई अभी होता है अभी में 1 करो कितना होता है u आपका होता है तो एचपी एच पी यू जो है आपका राइट right आंसर आ जाएगा तो जल्दी से बताइए भाई रीजनिंग रीजनिंग के के पांच पांच क्वेश्चन क्वेश्चन में में से से कितने क्वेश्चन आपके राइट थे ठीक है जल्दी से कमेंट बॉक्स अपना स्कोर बताइए कि टोटल पैंतीस क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट थे चलिए पर देखिएगा अब मैप की क्लास आपकी जो है मयंक सर लेंगे ठीक है इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा भाई आज के लिए माफ़ करिएगा ठीक है अगर टाइम पर आपके जो है आपके क्वेश्चन ना बन पाए तो क्लास नहीं लूँगा क्योंकि आज की क्लास में मुझे भी ज्यादा मजा नहीं आया ठीक है तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा अब आपकी क्लास जो है मयंक सर आपके लेंगे सो हेलो एवरीवन तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को आपके पैंतीस क्वेश्चन हो गए हैं जीके मैथ्स और रीजनिंग के ठीक है अब यहाँ से आपका जो मैथ्स होगा पंद्रह क्वेश्चन होंगे मैथ्स के वो मैं आपको करवाऊंगा हर एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल डिटेल में देखना है ठीक है दो से तीन लाइन में आपका हर एक क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ठीक है सेशन को आपको लाइक कर देना है और शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स के साथ ठीक है ताकि सभी को इसका प्रॉफिट मिल सके ठीक है स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन हमारा कि चार अंकों की वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 32 और 48 से पूर्णता विभाज्य हो विभाज्य का मतलब कि डिविजिबल हो ठीक है तो चार अंकों की सबसे छोटी संख्या होती क्या है एक हजार होती है पहले तो हमें यह जानना जरूरी है ठीक है किससे विभाजित हो अठारह बत्तीस और अड़तालीस से तो हम क्या करेंगे अठारह बत्तीस और अड़तालीस का एलसी ले लेंगे तो अठारह बत्तीस और 48 का एलसीएम कितना आ जाएगा इसका एलसीएम आएगा 288 ठीक है ना कितना आएगा 288 अब हमें विभाजित करने के लिए कह रहा था तो हम क्या करेंगे दो में भाग कर देंगे एक हजार का ठीक है तो जब इसे हम भाग करेंगे तो पहली बार ये कितनी बार जाएगा पहली बार यह तीन बार जाएगा तो दो सौ अठासी से यहाँ कितना होता है आठ सौ चौंसठ होता है तो यहाँ पे मैंने आठ सौ चौंसठ लिख दिया ये माइनस होके आ जाएगा वन थर्टी सिक्स ठीक है इतना समझ में आ गया अब ये दो था और इसका शेष फल कितना है 136 है तो हम क्या करेंगे 288 में 136 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा एक आ जाएगा ठीक है एक हमारा आ गया और इसका ये कितना था चार अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है एक हज़ार तो कहने का मतलब कि एक हजार प्लस एक सौ बावन मतलब कि कितना आ गया ग्यारह सो बावन यानी ऑप्शन या नंबर इसका डी करेक्ट होगा ठीक है ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा इसका डी बिल्कुल करेक्ट होगा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन सेशन को लाइक जरूर कर देना है आपको बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ठीक है चलिए तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि छियालीस माइनस तीन पटी चार ऑफ थर्टी सिक्स माइनस थर्टी टू माइनस सिक्स अपॉन थर्टी सेवन माइनस थ्री अपॉन फोर ऑफ थर्टी फोर माइनस सिक्स इसे हमें सॉल्व करना है ठीक है तो देखिए कैसे इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं हम छियालीस जो था उसको हमने यहाँ पे उतार लिया ठीक है अब बत्तीस में छः घटे का तो कितना आएगा छब्बीस आएगा और तीन बटे चार है ये हमारा ठीक है तो जब छब्बीस है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसको माइनस ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर कहाँ से आया आठ चौक बत्तीस होता है आठ त्रिक कितना हो जाएगा चौबीस हो जाएगा ठीक है तो यहां पे मैंने लिख लिया चौबीस माइनस छ इतना समझ में आ गया क्लियर हो गया आगे बढ़े चलिए ठीक है इतना समझ में आ गया सभी को देखिए इसके बाद जब हम आगे करेंगे ऊपर की देखिए आठ त्रिक आठ चौक बत्तीस होता है यहां पे चार आ गया आठ त्रिक चौबीस हो गया और ये वाला छ हमने ऐसे उतार लिया अपॉन में जब इसको करेंगे तो सेम इसी तरह से थर्टी सेवन हम इसको ऐसा लिख लेंगे ठीक है थर्टी सेवन को लिख लिया यहाँ पे तीन बटे चार है तो माइनस तीन बटे चार लिख लिया और चौ चौंतीस में से छः घटेगा तो कितना आएगा अट्ठाइस आएगा तो हमने यहाँ पे अट्ठाइस लिख लिया ठीक है ऊपर जब ये छियालीस में चौबीस घटा देंगे और फिर उसके बाद छः घटा देंगे तो आ जाएगा सोलह ठीक है और नीचे जब हम इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना सात चौका अट्ठाईस सात तक कितना हो जाएगा यहाँ पर इक्कीस सैंतीस में इक्कीस जब घट जाएगा तो कितना आ जाएगा सैंतीस में यहाँ पर सात्रिक इक्कीस घट जाएगा तो सोलह आ जाएगा सोलह से सोलह कट गया तो आ गया हमारा एक यानी इसका राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन नंबर ठीक है क्लियर हो गया चलिए अगला क्वेश्चन दो संख्याओं का योगफल साठ है और उनका गुणनफल आठ सौ पचहत्तर है तो संख्याओं का एच सी एफ हमें बताना है क्या बताना है संख्याओं का एच सी एफ यानी कि महत्तम समापवर्तक हमें बताना है तो यहाँ पे जो हम सूत्र लगाएंगे वो ये लगाएंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी बराबर ए माइनस बी का स्क्वायर ठीक है इसको सूत्र को हम लगाएंगे अब सॉल्व कर लेते हैं ठीक है, है? देखिए यहां पे मान लेते हैं कि एन वन एन टू दो संख्याएं हैं तो यहाँ एन वन प्लस एन टू का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आठ सौ पचहत्तर है और ये कितना है ये है हमारा साठ ठीक है तो इसको जब हम वो करेंगे तो टोटल आ जाएगा हमारा छत्तीस सौ ठीक है अब यहाँ से हम लिख, लिख सकते हैं इसको एन वन प्लस एन टू का स्क्वायर माइनस फोर एन वन एन टू बराबर छत्तीस सौ और फिर उसके बाद कितना माइनस चार गुड़े आठ सौ पचहत्तर क्योंकि फोर ए बी था तो चार गुढ़े आठ सौ पचहत्तर हो गया यहाँ छत्तीस सौ कैसे आया फोर ए बी करने पे आठ सौ पचहत्तर में हमने चार का गुड़ा कर दिया ठीक है समझ में आ गया इतना अब यहाँ से एन वन माइनस एन टू का स्क्वायर जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा छत्तीस सौ में और इसका जब गुणा करेंगे तो पैंतीस सौ हो जाएगा तो छत्तीस सौ माइनस कितना पैंतीस सौ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सौ आ जाएगा ठीक है इतना समझ में आ गया तो यहाँ से एन वन माइनस एन टू बराबर कितना आ जाएगा दस आ जाएगा कितना आ जाएगा दस आ जाएगा ठीक है एन वन माइनस एन टू कितना आ गया दस आ गया और एन वन प्लस एन टू कितना है साठ एन वन प्लस एन टू कितना होगा साठ होगा ठीक है और एन वन माइनस एन टू कितना आया दस आया ठीक है इतना समझ में आ गया तो यहां से जब हम 35 और 25 का एच निकाल लेंगे क्या 35 और 25 का एच तो कितना आ जाएगा 35 और 25 का एच होगा हमारा पाँच आप निकाल करके देख लीजिएगा सॉल्व करके ठीक है इसका एच सी ही आएगा ठीक है समझ में आ गया एन वन की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली एन टू की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली तो इन दोनों की वैल्यू 35 और 25 आ गई और एच आ गया हमारा कितना पाँच यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन यदि किसी वृद्धि की त्रिज्या में तेईस की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी यह हमें बताना है ठीक है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी क्षेत्रफल में प्लस बी प्लस ए गुड़े बी बटे सौ ठीक है ये सूत्र यहां पे हम लगाएंगे ठीक है आगे समझ में आगे बढ़े चलिए इसके बाद जब हम आगे सॉल्व करते हैं जब तो अब हम सूत्र में इसको रख लेते हैं और ए और बी की मान हम क्या मान लेते हैं ए और बी की वैल्यू मान लेते हैं तेईस है यहाँ पे तेईस दिया हुआ है ना तो ए बी बराबर कितना है तेईस है अब सूत्र में रख लेते हैं इस वाले सूत्र में तो यहाँ पे आ जाएगा तेईस प्लस तेईस प्लस तेईस गुड़े तेईस और नीचे आ जाएगा सौ ठीक है सूत्र में हमने रख दिया कुछ भी नहीं किया तेईस में तेईस जोड़ देंगे तो छियालीस आ जाएगा ठीक है प्लस तेईस में से तेईस का गुणा होगा तो पांच सौ उनतीस आएगा और नीचे बटे में आ जाएगा सौ ठीक है पांच सौ उनतीस में जब हम सौ का भाग करेंगे तो पांच दशमलव दो नौ आएगा तो छियालीस प्लस आ जाएगा पांच दशमलव दो नौ इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा इक्यावन दशमलव दो नौ यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है क्लियर हो गए इतनी चीजें चलिए अगला क्वेश्चन यदि तीस का पैतालीस प्रतिशत प्लस दो यक्स बराबर तीस का पैंतालीस प्रतिशत प्लस दो एक्स का पैंतीस प्रतिशत प्लस पैंतालीस का बीस प्रतिशत तो एक्स का हमें यहाँ से मान निकालना है ठीक है क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि तीस का पैंतालीस प्रतिशत प्लस दो एक्स बराबर पंद्रह ठीक है पंद्रह का कितना पैंतीस प्रतिशत प्लस पैंतालीस का कितना है बीस प्रतिशत है ठीक है पैंतालीस का कितना है बीस प्रतिशत तो यक्स की वैल्यू हमें निकालनी है ठीक है यक्स की वैल्यू क्या करनी है निकालनी है ठीक है तो यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ तीस का पैंतालीस प्रतिशत मतलब कि पैंतालीस बटे सौ गुणे तीस प्लस दो यक्स बराबर पंद्रह का पैंतीस प्रतिशत कहने का मतलब कि पैंतीस बटे सौ गुणे पंद्रह ठीक है प्लस पैंतालीस का बीस प्रतिशत मतलब कि बीस बटे सौ गुड़े पैंतालीस इसको हमने सरलीकरण कर लिया है यहाँ पर ठीक है अब उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद जो सौ है उसको हम साइड में ला लेंगे ठीक है तो जब सौ को साइड में लाएंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पैंतालीस गुढ़े तीस और यहाँ पे कितना सौ एक्स है ना ठीक है यहाँ पे कितना है दो यक्स है ठीक है यहाँ पे कितना है दो यक्स है तो इसको हम दो यक्स को यहाँ पर उतार लेंगे और गुड़े सौ लास्ट में कर लेंगे ठीक है और फिर बटे में कर लेंगे कितना सौ ठीक है उसी तरह से इस वाले में भी कर लेते हैं आगे वाले में भी बराबर हो जाएगा हमारा पैंतीस गुड़े पंद्रह प्लस बीस गुड़े पैतालीस और फिर लास्ट में बचा हमारा सौ ठीक है इतना क्लियर हो गया आगे का जब हम टर्म सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा दो सौ हो जाएगा यहाँ पर तो यहाँ पे आ गया दो सौ बराबर पैंतीस गुड़े पंद्रह प्लस बीस गुड़े पैंतालीस और ये हो गया हमारा माइनस पैंतीस सॉरी पैंतालीस गुड़े तीस ठीक है जो जो था उसको वैसे ही हमने उतार दिया तो यहाँ से आ जाएगा हमारा दो सौ एक्स बराबर यहाँ से हम पंद्रह कॉमन ले लेंगे जब तो पंद्रह कॉमन लेने पे कितना बचेगा पैंतीस प्लस बीस और गुड़े तीन पंद्रह क्या है पैंतालीस पंद्रह कॉमन आ गया यहाँ से ठीक है माइनस पैंतालीस और तीस है पंद्रह कॉमन ले लेंगे तो पंद्रह दोना तीस यानी कि सिर्फ दो बचेगा ठीक है तो यहाँ से आ जाएगा हमारा दो सौ एक्स बराबर पंद्रह और अंदर बचेगा कितना देखिए तीस दूनी साठ और ये हो गया पैंतीस साठ पैंतीस कितना होता है पंचानवे और पैंतालीस दूनी नब्बे तो पंचानवे में नब्बे कटाएंगे तो पाँच आ गया तो यहाँ पे आ गया हमारा पाँच ठीक है तो कहने का मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा दो सौ एक्स बराबर आ गया हमारा कितना यहां से हम x बराबर निकाल लेते हैं तो x बराबर आ जाएगा पंद्रह गुड़े पाँच बटे दो सौ ठीक है इतना समझ में आ गया तो यहां से कितना आ जाएगा तीन बटे आठ ठीक है कितना आ जाएगा तीन बटे आठ यानी कि तीन बटे आठ ही इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है सॉरी यहाँ पे आंसर नहीं दिया हुआ है तो तीन बटे आठ होगा ठीक है ऑप्शन नंबर डी तीन बटे आठ क्लियर हो गया चलिए अगला क्वेश्चन एक दुकानदार पच्चीस वस्तुएं इस प्रकार बेचता है कि पांच वस्तुएं विक्रय मूल्य की पांच वस्तु सॉरी मैं पेन कलर चेंज कर लेता हूं चलिए किसी कोई कह रहा है कि पेन कलर चेंज कर लो तो ठीक है चलो पांच वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है यहां पे क्या निकालना है लाभ प्रतिशत दो लाइन में ये क्वेश्चन हो जाएगा तो प्रॉफिट ये कलर भी सही नहीं है एक सेकेंड यहां से चलो येलो ले लेते हैं ठीक है चलो प्रॉफिट कितना प्रॉफ़िट परसेंटेज हाँ ये ठीक है प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना आ जाता है सूत्र जो होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू हंड्रेड ये प्रॉफिट परसेंटेज का सूत्र होता है किसका सूत्र होता है प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि लाभ प्रतिशत का ठीक है इतना क्लियर हो गया ठीक है समझ में आ गया इतना अब आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा देखिए प्रॉफिट कितना है पाँच का तो यहाँ पे ऊपर आ गया पाँच बटे सी कॉस्ट प्राइस कितना पहले पच्चीस था उसके बाद पाँच वस्तु का विक्रय मूल्य हुआ मतलब कि पच्चीस माइनस पाँच और इंटू हंड्रेड नीचे कितना बचेगा बीस बचेगा बस कुछ भी नहीं है इसमें क्वेश्चन में बीस बूढ़े सौ बीस पंचे सौ पचम पच्चीस यानी कि कितना आ गया पच्चीस बस हो गया ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया ठीक है सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज का सूत्र रख दिया हमने प्रॉफिट अपॉन सी पी उसी में से आंसर आ गया ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन यदि कोई विक्रेता किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बीस प्रतिशत छूट देकर बेचता है और बारह प्रतिशत लाभ प्राप्त करता है तो यदि वस्तु का क्रय मूल्य सात सौ पचास है तो इसका अंकित मूल्य हमें बताना है अंकित मूल्य मतलब कि जो उसका प्राइस है मेन प्राइस उसको ठीक है तो यहाँ पर जो छूट दी हुई है वो कितनी है बीस प्रतिशत की ठीक है सब मैं लिख देता हूँ पहले लाभ कितना है लाभ है बारह प्रतिशत का ठीक है और क्रय मूल्य कितना है तो क्रय मूल्य है 750 तो यहाँ पे लिख दिया मैंने सात सौ ठीक है थेके? एक सूत्र होता है आपको यह ध्यान रखना है क्या कि विक्रय मूल्य बराबर जो होता है वो होता है अंकित मूल्य ठीक है अंकित मूल्य माइनस अंकित मूल्य ठीक है ये अंकित मूल्य माइनस अंकित मूल्य गुड़े छूट प्रतिशत ये सूत्र होता है ठीक है और एक सूत्र और होता है विक्रय मूल्य का ही वो भी आपको ध्यान रख लेना है वो होता है क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य और गुड़े लाभ प्रतिशत ये दो सूत्र होते हैं विक्रय मूल्य से संबंधित ठीक है तो यहां से हम जो दूसरा सूत्र निकाल लेंगे कौन सा विक्रयमूल क्रय मूल्य वाला तो यहां पे कितना आ जाएगा 750 प्लस 750 और गुड़े लाभ कितना है तो लाभ है बारह प्रतिशत तो बारह प्रतिशत हमने यहाँ पे लिख दिया ठीक है अब इसके अनुसार किसका किसका कितना आ जाएगा आंसर जब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए पचहत्तर और पचहत्तर मतलब कि जीरो जीरो पंद्रह सौ गुड़े बारह बटे सौ ये दो से जीरो ये दो पंद्रह में बारह का गुणा हो गया तो कितना आ गया आ गया हमारा आठ सौ चालीस ठीक है इतना समझ में आ गया आठ सौ चालीस ये हो गया अब हम जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे एम बराबर एम माइनस एम गुड़े ट्वेंटी परसेंट बराबर कितना आ गया आठ सौ चालीस आ गया ठीक है तो यहाँ से एम बराबर कितना आ जाएगा एम बराबर आ जाएगा हमारा आठ सौ चालीस हो जाएगा ये हमारा एक हजार पचास ठीक है एम बराबर कितना आ गया एक हज़ार पचास मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दिया हूँ आपको सॉल्व कर लेना है आठ सौ चालीस गुड़े बीस बटे सौ कर दोगे तो आपका एक हज़ार पचास आ जाएगा ठीक है क्लियर हो गया चलिए अगला क्वेश्चन पाँच वर्ष के अंत में पंद्रह हज़ार की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज नौ हज़ार सात सौ पचास है यदि ब्याज की दर तीन प्रतिशत कम हो तो ब्याज कितना होगा हमें यह बताना है ठीक है क्या कह रहा है कि ब्याज ठीक है ना तो देखिए एक सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र होता है साधारण ब्याज का क्या प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन हंड्रेड ठीक है मूलधन बुढ़ी दर बुढ़ी समय बत्तीस सौ ये सूत्र होता है इसका ठीक है एक बार मैं सूत्र में रख देता हूँ तो साधारण ब्याज कितना है नौ हज़ार सात सौ पचास तो नौ हज़ार सात सौ पचास बराबर पंद्रह हजार ठीक है गुड़े आर क्योंकि आर पता नहीं है और बटे सौ ठीक है इसमें से जब हम सूत्र रख दिए तो कितना आ गया यहाँ से सॉल्व करने पे आर बराबर कितना आ जाएगा तो ये दो ज़ीरो से ये दो जीरो कट गया एक सौ पचास में सात सौ पचास हो जाएगा ये ठीक है यहाँ पे कितना हो जाएगा सात सौ पचास और सात सौ पचास और ऊपर कितना है नौ हज़ार सात सौ पचास मतलब ये कटेगा तो ये कितनी बार जाएगा तेरह हाँ तेरह बार तो यहाँ से कितना आ गया ये आर आ गया तेरह प्रतिशत ठीक है आर बराबर कितना आ गया तेरह प्रतिशत अब आर बराबर तेरह प्रतिशत तो तेरह माइनस तीन बराबर कितना आ जाएगा दस प्रतिशत क्योंकि यहाँ पे कह रहा था कि दस प्रतिशत की कमी हो ठीक है अब इस आर में हम यहाँ पे यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे अब आर बराबर हम क्या लेंगे दस प्रतिशत तो कितना होता है सूत्र पी आर टी अपॉन हंड्रेड पी कितना है पंद्रह हजार आर कितना है दस टी कितना है पाँच बटे सौ दो जीरो से दो जीरो कट गया एक सौ पचास में दस का गुणा करेंगे तो पंद्रह सौ पंद्रह सौ में पांच का गुणा करेंगे तो सात हजार पांच सौ ठीक है यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा होगा सी करेक्ट होगा इसका ठीक है क्लियर हो गया चलिए अगला क्वेश्चन ठीक है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब जल्दी से क्योंकि काफी आज ज्यादा डिले भी हो गया है ना चलो अगला क्वेश्चन हमारा कि अट्ठाईस सैंतीस चौंसठ और अड़सठ का चौथा समानुपाती क्या होगा ठीक है चौथा समानुपाती पूछ रहा है ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है अट्ठाईस अनुपात सत्ताईस अनुपात अड़सठ और अनुपात एक्स चौथा समानुपाती पूछ रहा है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अठारह गुढ़े एक्स बराबर सत्ताईस गुढ़े अड़सठ ठीक है तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आ जाएगा सत्ताईस गुढ़े अड़सठ अठारह ठीक है इतना समझ में आ गया ठीक है चलिए नौ दूनी अठारह नौ त्रिक्स सत्ताईस इसमें जब इसका गुणा करेंगे अड़सठ में तीन का तो 204 आएगा 204 नीचे बटे में दो है यानी कि 102 यही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है बस कुछ नहीं किया हमने एक्स की वैल्यू निकाल दी ठीक है अगला क्वेश्चन आठ क्रमागत संख्याओं का औसत दशमलव पाँच है तो बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है ठीक है क्या करना है बड़ी संख्या हमें निकालनी है तो मान लेते हैं कि आठ क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी हैं आठ क्रमागत संख्याएं हैं मान लेते हैं x है एक सेकेंड हाँ x ठीक है कौन कौन सी x है x प्लस वन है x प्लस टू एक्स प्लस थ्री ऐसे कर करके x प्लस फोर एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स और x प्लस सेवन ठीक है ये क्रमागत संख्याएं हैं ठीक है क्लियर हो गया चलिए आगे बढ़ें चलिए ठीक है ये क्रमागत संख्याएं मान के चलते हैं कि इतनी क्रमागत संख्याएं हैं ये ठीक है अब जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा इन संख्याओं का हम औसत निकालेंगे क्या निकालेंगे एवरेज निकालेंगे तो जब एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा आठ एक्स प्लस अट्ठाईस और बटे आठ ये आप जोड़ के देख लेंगे क्योंकि एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ है आठ एक्स है तो आठ एक्स हो जाएगा एक दो तीन तीन छ चार दस पाँच पंद्रह छ इक्कीस सात अट्ठाइस और बटे आठ कर दिया हमने ठीक है इतना क्लियर हो गया अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आठ एक्स प्लस अट्ठाईस बटे आठ बराबर दस दशमलव क्योंकि औसत तो दस दशमलव है तो यहां से आ जाएगा आठ एक्स प्लस अट्ठाईस बराबर चौरासी ठीक है इसमें इसका गुणा होगा तो कितना आ जाएगा चौरासी अब यहां से आठ एक्स बराबर कितना आ जाएगा चौरासी माइनस अट्ठाईस ठीक है इतना क्लियर आठ एक्स बराबर आ जाएगा छप्पन ठीक है तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा सात ठीक है यक्स बराबर सात आ गया तो सबसे बड़ी संख्या यहां पे क्या है एक्स प्लस सेवन तो यक्स प्लस सेवन है मतलब कि सात प्लस सात मतलब कि चौदह यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ठीक है क्लियर है चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है हमारा कि कमल और अनिल क्रम से आठ दिन और चौदह दिन में एक तालाब खोद सकते हैं यदि खुदाई का कुल खर्च चौ चार सौ चौवालीस रुपये है तो अनिल कितना पैसा कमाएगा ये हमें बताना है ठीक है अनिल की टोटल अर्निंग बतानी है हमें ठीक है क्लियर हो गया तो देखिए कैसे इसको निकालेंगे मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ आपको इसका आंसर कमेंट करना है ठीक है पहले आप आठ और चौदह का एल्सियम ले लेंगे ठीक है जो एल्सियम आएगा वहाँ से आपको कमल की और अनिल की दक्षता निकाल लेनी चलिए मैं बता ही देता हूँ आठ और चौदह का एल्सियम कितना आ जाएगा छप्पन ठीक है तो यहाँ से कमल की दक्षता कितनी आ जाएगी छप्पन बटे आठ मतलब कि सात और अनिल की दक्षता कितनी आ जाएगी छप्पन बटे चौदह क्योंकि वो चौदह दिन काम किया था यहाँ पे दिया हुआ है तो बटे में चौदह हमने कर दिया चौदह छक्को छप्पन चार हो गया तो इनकी मजदूरी का अनुपात कितना आ गया सात अनुपात चार सात और चार सात अनुपात चार आ गया ठीक है तो कुल मजदूरी कितनी हो जाएगी इनकी सात प्लस चार मतलब कि ग्यारह इकाई और इन्होंने पैसे कितने ले रहे थे चौवालीस सौ रुपए तो यहां से हमारा आ जाएगा चौवालीस सौ बटे ग्यारह और गुड़े चार ठीक है इतना क्लियर हो गया अब इसको जब हम आगे सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा चार चार सौ में चार का गुणा कर लेंगे यानी कि सोलह सौ ठीक है बस हो गया यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा ठीक है दोनों का एल्शियम लेके यूनिट निकाल करके हमने आंसर ला दिया ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन हर घंटे एक हर एक घंटे बाद कार की गति दो किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ती जा रही है यदि पहले घंटे कार की गति पैंतीस किलोमीटर थी तो बारह घंटे बाद उसकी कुल दूरी ठीक है बारह घंटे बाद क्या बताना है कुल दूरी कितनी तय की उसने हमें ये बताना है ठीक है तो देखिए यहाँ पे एक मैं आपको बता देता हूँ कि जो ट्वेल्व आवर्स है उसने दूरी तय की पैंतीस किलोमीटर से स्टार्ट किया था ठीक है तो 35 से स्टार्ट किया तो मान लीजिए पैंतीस सैंतीस ऐसे कर करके कहां तक 12 घंटे तक कह रहा है तो मतलब कि 12 टर्म है, यानी 12 पदों तक ठीक है टर्म का मतलब होता है पद ठीक है इतना क्लियर हो गया यहां पे जो सूत्र लगेगा वो लगेगा सम बराबर होता है एन माइनस टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी ये सूत्र होता है यही लगेगा ठीक है एन की वैल्यू क्या है तो मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा एन की वैल्यू है यहाँ पे बारह जितने नंबर ऑफ टर्म होते हैं वही एन होता है ए होता है सबसे पहला पद और डी क्या होता है दूसरे पद में पहले पद को घटा देना ठीक है तो एन है बारह यानी कि बारह बटे दो टू इंटू ए पहला पद है पैंतीस तो पैंतीस आ गया प्लस एन यानी कि बारह माइनस एक इंटू पैंतीस ठीक है इतना क्लियर हो गया चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको अब तो ये हो जाएगा छः बारह में छः का भाग हो जाएगा तो छः ठीक है पैंतीस में दो का गुणा करेंगे तो आ जाएगा सत्तर प्लस ठीक है और यहाँ पे कितना आ जाएगा ए, ए एक एक सेकेंड एक सेकेंड हाँ ठीक है यहाँ पे होगा डी यहाँ पे क्या होगा डी और डी आएगा हमारा दो कितना आएगा दो ठीक है बारह में एक घटेगा तो ग्यारह और ग्यारह दो नहीं कितना होता है बाईस तो ये हो गया हमारा बाईस अब ये सत्तर में जब बाईस जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सत्तर में बाईस जोड़ेंगे तो बानवे गुणे छः मतलब कि दो पाँच 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 सौ बावन किलोमीटर ठीक है क्लियर हो गया ऑप्शन नंबर क्या होगा डी करेक्ट होगा ठीक है ये ध्यान रखना एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये सूत्र था बस हो गया ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन यदि x बराबर ए साइन एक्स और y बराबर बी टेन डी है तो ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर की हमें वैल्यू निकालनी है ठीक है जल्दी जल्दी मैं करता हूँ क्योंकि काफी लेट भी हो रहा है ठीक है आप लोगों को भी होता होगा ए साइन थीटा ठीक है वाई बराबर क्या है बी टेन थीटा ठीक है इतना समझ में आ गया यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ ए को इधर ला करके ए अपॉन एक्स बराबर साइन थीटा और यहाँ से बी को इधर ला लेंगे तो बी अपॉन वाई बराबर टेन थीटा ठीक है इतना क्लियर हो गया आगे बढ़े अब इसमें हम इसको मान को रखेंगे कि इसमें इसमें तो यहाँ से आएगा ए अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर ठीक है इसमें रखना है तो जब इसमें हम रखेंगे तो ए अपॉन एक्स की वैल्यू साइन है तो यहां पे आ जाएगा वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बी अपॉन वाई की टेन है ठीक है टेन को हम लिख सकते हैं क्या कॉस अपॉन साइन या तो साइन अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं ठीक है थीके? बात दोनों एक ही है तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ठीक है इतना क्लियर हो गया अब यहां से एलसीएम ले लेंगे इसका कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा एल्सियम आ गया यहाँ पे आ जाएगा कितना वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ठीक है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है ठीक है तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आ गया थीटा ये दोनों कट गया तो आ गया एक यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी करेक्ट होगा ठीक है क्लियर हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं आप अगला क्वेश्चन यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सैंतीस सौ पचास वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका आयतन हमें ज्ञात करना है ठीक है आयतन के मतलब वैल्यूम ठीक है पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है सिक्स ए स्क्वायर होता है जो सूत्र होता है सॉरी जो क्यूब का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक है इस सूत्र को आपको ध्यान में रखना है वो होता है सिक्स ए स्क्वायर ठीक है तो यहां पे जो है सिक्स ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है सैंतीस सौ पचास तो हमने लिख लिया सिक्स ए स्क्वायर बराबर सैंतीस सौ पचास तो ए स्क्वायर बराबर सैंतीस सौ पचास में जब हम छ का भाग करेंगे तो कितना आएगा छ सौ पच्चीस आएगा ठीक है साफ साफ दिख रहा है छह है ये तीन सौ पचहत्तर है तीन सौ पचहत्तर में हमने बात कर दिया तो यहां से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए की वैल्यू आ जाएगी पच्चीस क्योंकि पच्चीस का वर्ग होता है छह सौ पच्चीस ठीक है अब हम क्या निकाल लेंगे अब हम लेंगे आएटन, लेंगे? तो निकाल लेंगे घन तो का आयतन ठीक है क्या निकाल लेंगे घन का आयतन तो जब घन का आयतन निकालेंगे तो घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब यानी कि भुजा को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में भुजा को हम बोलते हैं साइड साइड ठीक है साइड बोलते हैं हाँ भुजा कितनी है पच्चीस है तो 25 का क्यूब हो जाएगा कितना 25 पच्चीस छह सौ पच्चीस सौ पच्चीस में जब 25 का गुणा करेंगे तो पंद्रह हजार सौ पच्चीस सेंटीमीटर क्यूब ठीक है यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी करेक्ट होगा ठीक है क्लियर हो गया दो सूत्र लगाए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल स्क्वायर आयतन भुजा क्यूब ठीक है आज का का हमारा लास्ट क्वेश्चन दो समरूप त्रिभुजों में उनके संगत भुजाओं अनुपात एक, अनुपात तीन है और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल बहत्तर वर्ग सेंटीमीटर है तो छोटे का क्षेत्रफल हमें बताना है ठीक है यहाँ पे जो सूत्र लगेगा वो लगेगा हमारा क्या ये जो सूत्र लगेगा मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ क्षेत्रफल एक बटे क्षेत्रफल दो बराबर जो सूत्र होता है भुजा एक का स्क्वायर बटे भुजा दो का स्क्वायर ये सूत्र होता है ठीक है ना यहाँ से क्षेत्रफल एक का मान हमें नहीं पता क्षेत्रफल दो का मान कितना है बहत्तर है ये लिखा हुआ है भुजा एक का मान एक भुजा दो का मान तीन है तो तीन का ये देखिए भुजा एक का मान एक है भुजा दो का मान तीन है तो तीन का यहाँ पे वर्ग करना है तो हमने डायरेक्ट नॉ लिख दिया ठीक है ना तो यहाँ से क्षेत्रफल एक कितना आ जाएगा क्षेत्रफल एक आ जाएगा नौ अट्ठे बहत्तर साफ साफ दिख रहा है यानी आ जाएगा आठ सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो ये था हमारा आज का लेक्चर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर जरूर करें इस वीडियो का टारगेट 300 प्लस लाइक्स का रखेंगे ठीक है एक इंफॉर्मेशन और टेलीग्राम आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का एप्लीकेशन का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है कोई भी डाउट हो तो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू